चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारा नू प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम खास मुलाकात च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच साडी हमेशा ही कोशिश हुंदी है किसी खास गैस्ट दे नाल तुहाडी जिहड़ी मुलाकात है वह करवाई जाए। अज साडे स्टूडियो दे विच खास गैस्ट ने भगवान दास गुप्ता जी, जो कि लंबे समय तो समाज के भलाई के खेत्र दे विच अपना अहम योगदान पा रहे हैं, जन कि लंबे समय तो समाज के भलाई के काम जिहड़े ने वो कर रहे हैं, तो हुण भी जिहड़ा वो लगातार काम जिहड़े ने वो उन्हां वल्लों जारी ने। जेकर पत्रकारी के खेत्र दे विच गल की जाए तो पत्रकारी के खेत्र दे विच भी उन्हां दा जिहड़ा अहम योगदान आ वो लगातार चल रहा है। सो सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे हां। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं भगवान दास गुप्ता देश विदेश विच बैठे चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे समूह दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। भगवान दास जी, इस तरह गल की जाए, तुसीं लंबे समय तो पत्रकारी के खेत्र दे विच जुड़े हुए हो, पत्रकार दे नाल नाल जिहड़ा लोकां दी जिहड़ी है समाज ते भलाई दी सेवा भी कर रहे हो जी। क्योंकि पत्रकार नूं बड़ा औखा हुंदा है जदों कोई पत्रकारी करदा तां जिहड़ा लोकां दे विच विचरदा है तां जिहड़ा समाज ते भलाई दे काम ने उह बहुत घट करदा, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़ा दौर हुंदा उह खबरां वाल जिहड़ा ध्यान हुंदा है। ते तुहाडी जिहड़ी शुरुआत है किवें होई, तुहाडा पिछोकड़ की है? मेरा पिछोकड़ जिहड़ा हैगा उह पिंड मड़ौड़, जो कि नाभा रोड ते रखड़ा दे कोल है, उत्थे मेरा जन्म होया। और मैंने जिहड़ी मुढ़ली पढ़ाई है 10वीं तक दी जिहड़ी सिक्ख्या उह सरकारी हाई स्कूल रखड़ा मड़ौड़ तो ही मैंने प्राप्त कीती सीगी। ते इह जिहड़ा पिंड है साडा मड़ौड़, इह देहाती हलका पटियाला दा सब तो वड्डा पिंड है। ते उस तो बाद फिर जिहड़ा है मैं सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटियाला तो 2 साल का जो सिविल इंजीनियरिंग विच ड्राफ्टमैनशिप का डिप्लोमा किया, 1 साल फिर मैंने जिहड़ा खालसा कॉलेज है उत्थों प्रैप नॉन मेडिकल दी भी उत्थों मैं पढ़ाई की। जेकर गल की जाए जिस तरह समाज के भलाई की गल की जाए, तुसीं जिहड़ा कि NGO दे नाल जुड़े हो तो कि कार्ज आ लोगों के प्रति कर रहे हो? वैसे तो मैं क्योंकि साडा जिहे जिस तरह मेरे दादा जी लाला हीरा मल जी, फिर मेरे पिता जी सेठ राम लाल जी, और मेरे परदादा जी सेठ आत्मा मल जी, साड़ी जिहड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी समाज सेवा नाल जिहड़े है साडा परिवार शुरू तो ही जुड़िया होया है। मैनू भी यह पुश्तैनी परिवारक दे विच्चों ही जिहड़ा है समाज सेवा करन दा सबब मिलिया, भावें कि उस समय दी जिहड़ी समाज सेवा सीगी उह की करदे सी साडे जिहड़े पुरखे किते खूह लुआ दिंदे सी किसी तरह का कोई अच्छा जिथे लोकैलिटी दे विच कोई चंगा मंदिर जिस तरह कोई ठाकर द्वारा या शिव द्वाला या इस तरह कोई प्याऊ लाउंदे सीगे तां कुश्ती मेले कराउणे खेड मेले कराउणे उन्हां दे काफ़ी ये भी शौक सीगे जो मैनू ये चीज़ विरासत दे विच मिली। ते बाद दे विच मैनू जदों मैं जवान होया तां मेरी मुलाकात जिहड़ी है सूबेदार करतार सिंह जी धालीवाल रखड़ा दे नाल होई। मैं घट्टो घट्ट उन्हां दे नाल 11-12 साल जिहड़ा है उन्हां दी संगत दे विच रहा। जाने कि सुरजीत सिंह रखड़ा जिहड़े फादर ने जिहड़े पंजाब दे कैबिनेट मंत्री रहे ने जी। हाँ जी हाँ जी। और जिथे सरदार दर्शन सिंह जी धालीवाल रखड़ा, सरदार सुरजीत सिंह जी धालीवाल साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, ते उन्हां दे छोटे बेटे सूबेदार साहब दे सरदार चरणजीत सिंह रखड़ा जी नूं इह जिहड़ी समाज सेवा जिवें कहिंदे वी उन्हां नूं गुड़ती दे विच मिली, तां मैनू भी उन्हां दी चिणग जिहड़ी सीगी इहनूं अग्गे वधण दी, तां सूबेदार करतार सिंह धालीवाल जी नूं मैं अपना दर्श मंनदा, उन्हां तों मैनूं बहुत कुछ जिहड़ा है इस दे विच प्राप्त होया, मैनूं लगन होर ज़्यादा वध गई मेरी। बिल्कुल ठीक है, चलो चंगी गल है। जदों समाज दे भलाई दे बंदा काम करदा तां बड़ी जिहड़ा लोकां दे विच विचरदा तां लोक जिहड़े उन्हां नूं पसंद भी करदे ने, पर फिर पत्रकार के खेत्र के किमें जो टाइम किमें जो विचरता से किमें जो टाइम कटते हैं, क्योंकि खबर का दौर भी हों जो उस समय की पत्रकारी की गल की जाए तो हक हाथ नाल पहला लिखना पैंदा सी, उस तो बाद फिर जो दफ्तर के लिख के जरा पेज भेजना पैंदा सी, तां जिहड़ी अखबारों के खबर जी छपती सी, तां फिर किमें जो टाइम नूं उत्थे मैनेज करते? इस तरह है जिस तरह मैं दस्या भी मैं मेरा पेंडू पिछोकड़ है, असी पिंड रहिंदे सी मड़ौड़ दे विच, तो उत्थों जिहड़ी चढ़दी कला जिहड़ा अखबार साडे इत्थों पटियाले तो छपदा सीगा जिहदा कि हुण बहुत वड्डा नाम है, इह पहलां इह लैटर हैड दे नाल छपदा हुंदा सी, ते इहदा जिहड़ा दफ्तर भी सीगा जिहड़ी इहदी प्रैस सीगी उह पुराणी प्रैस रोड ते हुंदी सी। बिल्कुल। तां क्योंकि मेरे बच्चे जिहड़े ने जिहड़ी मेरी वड्डी बेटी सनी गुप्ता
जो अज कल हैडमिस्ट्रेस है वह प्री नर्सरी तो पिंडों जी बहन आती सी बैठ के आँदी सी तो उस तो बाद फिर मेरी जी छोटी बेटी है उदा भी जड़ा दाखला है श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल प्रेस रोड दे विच होया इंजीनियर पलवी गुप्ता जो अजकल ऑफिसर ने BSNL दे विच और जो मेरा बेटा सब तो मेरा दो बेटियां ने एक बेटा है पुष्पिंदर गुप्ता उदा भी दाखला फिर सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी जिन्हें कि पिछे पद्म श्री अवार्डी ने उन्होंने जड़ा उन्हों की सरप्रस्ती स्कूल चलता सीगा उत्थे फिर वो मेरे बच्चे उन्होंने भी इन्ह ने दाखला दिता ते तिने बच्चे मेरे दसवीं तक की जड़ी सिक्ख्या है वो श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विच उन्होंने प्राप्त की। तो मेरा कुदरती राबता आना जाना बच्चों की पेरेंट मीटिंग ते और हुंदा रहिंदा सीगा दर्दी साहब दे नाल भी मेरी जदों पहली मुलाकात हुई मैनू वो कहन लगे गुप्ता जी तुसी पिंड रहने हो उत्थे दियां कुछ सानू मुश्किलां कोई खबरां कोई कोई गलबात इदां दी लिख के भेजा करो। मैनू इहदे बारे कोई पहला कोई खास मैनू जानकारी नहीं सी फिर इन्हां ने मैनू एक रखड़ा जिहड़ा है स्टेशन तो मैनू पत्रकार इन्हां ने नियुक्त किया फिर मैं काफ़ी लंबा समा उत्थों इन्हां नू जिहड़ा है वैन दे नाल लिख के जिहड़ी वैन बच्चे छड्डण आउंदी सी फिर मैं उन्हां नू लिख के अपने हथ नाल जो सी वह लिख के उत्थे दी जो खबरसार सी क्योंकि मैनू शौक सी बड़ा खेड मेले कराउण दा सभ्याचारक मेले कराउण दा जां इदां दी मैं कोई समाज दी कोई मैं देखदा सी गलबात तां फिर मैं दर्दी साहब कोल भेज दिंदा सी इह फिर वह मेरी चढ़दी कला अखबार दे विच अगले दिन जिहड़ी है वह मेरे नाम दे नाल खबर लगा दिंदे सी। जाने कि आपां कह सकदे जदों तुसीं किसी समाज दे भलाई दा काम जिहड़ा लोक करदे सी तां जदों तुसीं खबर लगांदे सी तां उत्थों जिहड़ा नाल जिहड़ा जुड़दे सी भलाई दे काम भी जिहड़ा तुहाडे नाल हुंदे सी। बिल्कुल जी क्योंकि देखो समाज सेवा मेरा शुरू तो पैशन है जी मैं दस्या जदों दी मैंने सुरत संभाली है घट्टो घट मैनू 40-42 साल हो गए समाज सेवा दे विच विचरदिआं और जिहड़ी लेखना ते गीत संगीत दा पत्रकारी दा ये मैनू शौक है ये मैंने जिहड़ा है अपना शौकिया तौर ते इस नू अपनाया और समाज सेवा मेरा बिल्कुल पैशन है। देख आप नागल दूजे सवाल ते आने आप वातावरण प्रेमी बहुत हो क्योंकि तुसी बूटे बहुत लगाए बिल्कुल जी तुहानू पंजाब सरकार वालों जिहड़े पंजाब दे कैबिनेट मंत्री ने सरदार चेतन सिंह जोड़े माजरा तो उन्होंने उन्होंने तुहानू सम्मान किया सी तो पूरे जिहड़ा वेरवा किसी किवें तुसी चुने गए सी ते क्योंकि पंजाब दी गल कीती जावे तो बहुत लोग ने जिहड़े बूटे लगाते हैं पर एक मेरा नाल एक नाल होर भी सवाल है बूटे भी लगाए जाते हैं पर उहदी देखभाल बहुत घट हुंदी है वी तुहाडी जिहड़ी चोण है उह किवें होई। बिल्कुल जी अमरजीत जी तुसी बहुत अच्छा सवाल किया मैं बूटे भावें कट लाए ने मैं ज़्यादा गिणती दे विच विश्वास नहीं करता तुसी साढ़े हुण पिंड जाके किते मड़ौड़ विजिट करो मैं सारे दर्शकों नूं भी बेनती करदा भी मेरा पिंड जरूर देखना चाहिए उत्थे दा सरकारी स्कूल इस तरह लगता जिवें किसी नर्सरी च आ गए या तुसी पिंड दे विच उत्थे एंटर करोगे तो उत्थे त्रिवेणी जिहड़ी है भारी गिणती दे विच पंजाब च तुहानूं इन्नी त्रिवेणी कितें नहीं मिलेगी असी उन्हें कोशिश की साढ़े पुरखे लगा गए पुरखे वो लगा गए पर उसकी मेंटेनेंस की लोड़ सी क्योंकि इनू ज़्यादा पत्थर इट्टा पत्थर की भी यदी खुराक है त्रिवेणी की बोर्ड की जिवें कहने पिपल की या निम की यदि यही खुराक है ता ही वह फलेगा तो मेरी यही कोशिश मेरी यही सी इनू बचाया जाए उसकी प्रॉपर कितने जाके छंगाई भी करवानी या उन्हें पानी देने की भी कोशिश करनी क्योंकि ये जो दरख्त है इसमें पानी की भी बहुत घट लोड़ पैंदी है इहदे फायदे सानू ज़्यादा नहीं मेरी हुण भी मेरा तकरीबन मेरा ये मतलब पैशन हुंदा है भी जिथे कितने जगह मिले त्रिवेणी लगा सकी असी वो लगाइए। तो फिर चोण तुहाडी किवें होई क्योंकि पंजाब की गल कीते पंजाब दे विच बहुत वातावरण प्रेमी ने जिहड़े बूटे लगाते हैं पर तुहाडी चोण किवें की स्पैशल कोई तुहाडी चोण होई जां कोई सर्वे करवाया गया सी कोई। बिल्कुल सर्वे भी होया असी RO लाए सीगे साडी संस्था वालों वाटर प्योरीफायर तो उहदे नाल असी 150-200 बूटा भी लगाया अलग अलग और बूटे भी असी मैंने कोशिश की भी किकर टालियां ना लगाइया जान थोड़ा मतलब कोशिश करिए मेडिसिनल बूटे लाइए फ्रूट्स वाले लाइए किते जामण लाइए किते बिल पत् बिल दा पेड़ा लाइए या जेड़े सानू कोई अर्जना दे दरख्त लाइए या होर कई तरह के जेड़े जेड़े सानू जिंदगी च साढ़े आयुर्वेद दे वेद दे विच काम दिंदे ने। अच्छा ठीक है इस करके फिर वो मेरी चोण हुई क्योंकि देखो जिथे भारी गिणती दे विच वाटर प्योरीफायर लाए गए बहुत स्कूलों के कालजों के अखाड़ों के
ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਰ ਓ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਓ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਓ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਜੋ ਮਟਕਾ ਕੁਲਫੀ, ਆਜੋ ਮਟਕਾ ਕੁਲਫੀ, ਆਜੋ ਖੋਇਆ ਕੁਲਫੀ, ਆਜੋ ਮਲਾਈ ਕੁਲਫੀ, ਆਜੋ। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੈਮ ਸੌਂਗ। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਨ, ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨ ਤੇ ਮਸਤੀ। ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਓਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਹੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜੇ ਭੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ 8-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ 20 ਜਾਂ 40 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 6-7 ਫੁੱਟ ਉਹ ਲਿਆ, 6-7 ਫੁੱਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ 7-8 ਫੁੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਖੜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੌਖੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੀ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਗਰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਰਕਪੁਰ ਟੱਪਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਫਿਸਰ
सुनते ने अगर उन्होंने लगता बी बिचला बंदा बीमार है या कोई गर्भ की औरत कित ले जाना पै रहा है मगर जो कोई जान बुझ के तुसी तीन बैठोगे या ओवरलोड गड्डी करोगे जिस तरह आम तौर पर पहला की हुंदा सीगा भाई जो कि एक्सीडेंट हो गया लोग जिहड़ी भीड़ है वो देखती नहीं सी उन्हूं वो कुटन पै जांदी सी या वो वहीकल की भन तोड़ कर दिंदी सीगी इस चीज़ तो डरदा मारा ड्राइवर बेचारा कहिंदा सी भी अपनी जान बचाओ निकल चलो इत्थों जा गड्डी छड़ के भज जाओ बाद दे विच देखी जाऊगी जो बनूंगा वह देखा जाएगा पर हुण जिहड़ा है हुण नवे कानून भी अच्छे भी बिच आ गए क्योंकि हुण जिहड़ा भीड़ ते भी अगर भीड़ उसनू उहदा कोई नुकसान पहुँचाउंदी है तो पूरी भीड़ दे उत्ते पहला की हुंदा सी भीड़ नू कहिंदे वी किहदे ते असीं परचा दाखिल करिए चीज़ का भी फिर वह ता ही भीड़ उहदे टुट के पैंदी सी हुण भीड़ भी थोड़ी सुचेत हो गई भावें कि अज भी देखो तुसीं किते भी एक्सीडेंट हुंदा है ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੱਟੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ कोई भी व्यक्ति है चाहे कोई समाज सेवक है जां आम शहरी है जे किसी फट्टड़ नू अपनी वहीकल दे अपनी गड्डी दे विच पा के हॉस्पिटल लै जांदा तां ओह तो कोई पुछ प्रतीत नहीं ज़्यादा हुंदी तो मेरा नाल सवाल भी है सरकार ने जिहड़ा SSF जिहड़ियां नवीं गड्डियां तोरियां ने नवीं फोर्स भी तैनात कीती गई तुहानू लगता नहीं कि मेरा पहला गल है कि तुसीं जिहड़ा खास तौर ते रोड दे उपर जिहड़ा लोकां नू जागरूक कीता है कि तुहानू लगता है भी रोड दे उपर इहदा कोई असर होगा क्योंकि पहला 108 जिहड़ियां वैनां भी शुरू होईयां सी तां उसदा भी बड़ा विरोध होया सी पर हौली हौली सैटिंग होंगी गई कि तुहानू लगता भी इह जिहड़ा सक्सैसफुल होगी जिहड़ी SSF है बिल्कुल अगर इस नू सही ढंग तरीके दे नाल इस नू लागू किया जाएगा जिवें तुसीं 108 की गल की एंबूलेंस की तां इहदा बहुत लोगों नू फायदा हो रहा है बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस तरह ये जिहड़ी सड़क सुरक्षा दे जिहड़े दस्ते ये बनाउणगे 30 किलोमीटर दे रेंज दे विच जिहड़ा है वह गड्डियां शामिल रहणगियां हाजिर रहणगियां और इहदा सब तो वड्डा फायदा ये होगा भी किसी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल तो क्योंकि वो एंबूलेंस भी अटैच है सारा कुछ अटैच है तो उसनू नाल दी नाल जिहड़ी है वो मुढ़ली सहायता के तौर पर रिलीफ मिलेगी बिल्कुल दूसरा जिहड़ा है आम पब्लिक ते भी ये डर रहेगा भी मैं अगर कोई एक्सीडेंट करके भज्जिया या कोई मैं गड़बड़ की तो फिर मैं नज़र च आ जाना ओहदे ते भी कानून का शिकंजा कसया जाना जदों डर पऊगा किसी भी चीज़ का ये देखो आवाजाई दे जिहड़े नियमां दी उलंघना भी इस करके ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का डर घट है भावें कि देखो हुण सरकार ने उहदे जुर्माने बहुत वधाते पर फिर भी अजे लोग परवाह नहीं करते ड्रिंक्स करके गड्डी चलाउंदे ने या हैलमेट तो आम तौर पर स्कूटर मोटरसाइकिल ते दिखदा ही नहीं बैल्ट दे हैबिचुअल नहीं बिल्कुल एक्चुअली असल दे विच इहदा कारण की है कि असी भी देखो मैं बहुत लंबे समय तो ये ट्रैफिक मार्शल के तौर पर सेवा निभा रहे हैं साडा भी जिहड़ा मुख्य मंतव यही हुंदा है भी लोगों नू असी जागरूक करिए हाँ मेरा जागरूकता यह सवाल है मेरा गल तुसीं जदों मार्शल की गल की है क्योंकि पंजाब सरकार की गल की जाए ट्रैफिक इंचार्जा की गल की जाए तो स्कूलों के कॉलेजों के सैमीनार जरूर लगाए जाते हैं पर तुम भी सैमीनार का कई बार हिस्सा बनो मतलब कवरेज भी बहुत बार करी है पर तो लगता भी कितने असर है स्कूलों कॉलेजों भी देखने को मिलता है क्योंकि जिस तरह पहला भी जिक्र किया जब जीरकपुर टपते हैं तो आप बैल्ट लगा लें पर सैमीनार का असर जोड़ा वो देखने नहीं मिलता नहीं हूँ देखो हर चीज़ का किसी भी चीज़ की जो आप लोगों अवेयर जागरूक करते हैं वह एकदम असर नहीं पैंदा थोड़ा देखो अज वो बच्चे ने असी कोई स्कूलों के बच्चे ला लो 10वीं 12वीं के या कॉलेजों के जाने थोड़ा उसनों समा तो लगता ही है बार 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 आप एक चीज़ के उत्ते फोकस करांगे दसांगे उन्होंने ये भी कहांगे भी बेटे तुसी घर जाके अपने मम्मी डैडी नूं भी ये चीज़ा दसनिया ने और घट्टो घट कोशिश करया करो जो तुसी उन्हां दी गड्डी दे विच बैठदे हो अजे तुसी बच्चे हो तुसी वो कार च जां स्कूटर मोटरसाइकिल दे पिछे बैठदे हो उन्हां नूं कहो पापा तुसी पहलां सिर ते हैलमेट रखो या गड्डी च बैठदे हो तो बैल्ट लगाओ ये बहुत जरूरी है ये थोड़ी सेफ्टी है और साड़ी सेफ्टी लई है
पर कसूरवार आप भी तो हाँ जो बच्चा होंगे तो 13-14 साल का होता तो एक्टिवा मोटरसाइकिल लैके दे दें बच्चा तो स्कूल का बैग चक तो जा ट्यूशन तो जा स्कूल गल तो सिर्फ यही आ गई ना कली एक कली सख्ती ना सख्ती भी की जाए नाल नाल जागरूकता फैलाने की ज़्यादा लोड़ है साढ़े वैसे इतने सानू माण है इतने साढ़े पटियाले सीनियर पुलिस कप्तान श्री वरुण शर्मा जी IPS और साडे जिन्ने इत्थे ट्रैफिक दे ने जिद्दां हुणी सरदार करनैल सिंह जी DSP साहब नियुक्त होए ने और तकरीबन इत्थे दे जिहड़े इंचार्ज जो ट्रैफिक दे इंचार्ज ने भावें जिला इंचार्ज ने भावें सिटी दे इंचार्ज ने बहुत अच्छी जिहड़ी ए टीम समझो मैं समझ सकदा बहुत अच्छी टीम ये आई है इन्हां दी और इहदे जिहड़े सिट्टे ने बहुत अच्छे निकलणगे। तो मेरा एक लास्ट सवाल है जेकर गल की जाए क्योंकि तुसी जिहड़ा धार्मिक खेत्र दे विच जिहड़ा वो लगातार जिहड़ा काम कर रहे हो मेरा लास्ट सवाल है क्योंकि अखबारों दे विच आपां जदों पढ़दे आ ना तां दे विच इह लिखिआ आंदा वी हाँ विआह संस्था ने इन्ने लख बूटा लगाया पर जदों आपां रोड दे उपर जाने आ तां इन्ने लख बूटा जिहड़ा उह देखण नूं मिलदा यानी कि ठंडी हवा जिहड़ा उह नहीं मिलदी ना उह देखण नूं मिलदा कि वाकई इन्ने लख बूटा लगाया जा सकदा जां देखभाल हो सके उहदी नहीं। ये बिल्कुल जड़ा है जे तुसी अखबारों की या टैलीविजन की गिणती के उत्ते विश्वास करो तो पंजाब का चप्पा चप्पा थोनू हरिया भरिया मिलेगा। ये मैं इस गिणती दे विच बिल्कुल मेरा विश्वास नहीं है। मेरी भी जड़ी सोच यही है कि भावें कोई ज़्यादा गिणती की गल नहीं होंगी जिथे लोड़ है क्योंकि देखो डिवेलपमेंट के नाँ के उत्ते कि 4 लेन 6 लेन या 8 लेन सड़क बननी है तो दरख्त कट्टे जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल दरख्त तो कतल होंगे ना पर घट्टो घट उन्होंने नाल नाल पहले की प्लैनिंग बन जाए जेडे उदे नाल खाली जगह छड़ी हुई है जितों असी दरख्त कट्टने ने उदियां दोनों साइडां दे उत्ते उस तो 3 गुणा घट्टो घट वह दरख्त लगाए जा उन्हों सरवाइव करना भी जरूरी है बिल्कुल क्योंकि आम तौर पर हुंदा की है फोटो कल्चर का जोर है हाँ। किते भी कोई 4 बूटे जो उन्होंने लाने होंगे ने तो 14 बंदे आके खड़ जाते हैं एक बूटे के आले दुआले बूटा तो दिखते ही नहीं लगाते हाँ। और मुड़के दोबारा उसनू देख नहीं कोई जाता ना उन्होंने कोई पानी दिता बिल्कुल ये चीज़ भी जरूरी है ना भावें वो इस चीज़ सोच लैन और बच्चों को खास तौर पर कह स्कूलों से जाके कि बेटे ये 13 बूटा है ये 3 अडोप्ट करना है तू जिमें मर्जी चाहे किसी लिफाफे पानी लिया किसी जग च पानी लिया टूटी तो कोशिश कर भी 3 बच्चा पालना है। धार्मिक खेत्र की गल की जाए समाजिक खेत्र की गल की जाए राजनीतिक खेत्र की गल की जाए तुम जो अपना योगदान पा रहे हो तो स्टूडियो के आते बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी अमरजीत जी। सो बिल्कुल ये सन भगवान दास गुप्ता जी जिन्होंने अपने जो विचार ने वो सांझे किए ने क्योंकि जेकर वातावरण की गल की जाए ज समाजिक तो धार्मिक खेत्र की गल की जाए जो उन्होंने वालों योगदान पाया जा रहा तो लोगों भी जो ट्रैफिक प्रति जी वो जानकारी वो सांझी की है। अगले एपीसोड किसी होर गैस्ट का मुलाकात करावे मैंने जो इजाजत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं अते लेटेस्ट अपडेट पाउण दे लई प्रेस करो बैल आइकन नूं। गुरबाणी न्यूज म्यूजिक एंटरटेनमेंट शो जां किसे तरह दा कोई भी कंटेंट वेखण दे लई प्ले स्टोर तों हुणे डाउनलोड करो चढ़दी कला मीडिया नेटवर्क ऐप।